কেমন আছো ইউটিউব? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই এম শীর্ষা গুহা অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং ব্ল্যাক বিউটি। ओके सो गाइज, यू नो बाय द टाइटल कि आज है सोनफ का बर्थडे एंड उसके लिए मैं जा रही हूँ उसके घर। वी हैव इन्विटेशन समवेयर नियर 4, मतलब हम कभी भी जा सकते हैं। सो हम 4 बजे जा रहे हैं। 4 बजे क्या, आई एम गेटिंग आउट फ्रॉम हेयर लाइक अबाउट 3 और समथिंग लाइक दैट। एंड ऋतिक नहीं जा पाएगा बिकॉज ही वेंट टू दार्जिलिंग एंड ये प्री प्लान्ड था, सो दैट्स वाई। एंड आज मुझे परेशानी होगी क्योंकि आई नीड टू कैरी द केक विच इज़ अ टफ जॉब, इसलिए मैं ऋतिक को बुला लेती थी एंड ही यूज़ टू कैरी, क्योंकि मैं बहुत शांत हूँ ना, सो मैं इजीली लाइक दिस आई कैन मेस अप अ केक। सो श्रेया ने मुझे बोला है कि यहाँ से रिक्शा ले लेने के लिए एंड वहाँ से मुझे छोड़े आई नीड टू गो टू गोरिया एंड देयर पोलोमी एंड श्रेया विल कम। एंड केक के बारे में सोनफ वॉज लाइक प्लीज़ डोंट ब्रिंग केक एंड ही लव्स अंकिता आंटीज केक। किसी का भी बर्थडे हो ही इज़ लाइक चलो केक लेते हैं बस, बट उसके बर्थडे में उसने मना कर दिया एंड हमने बहुत मनाया बट ही वॉज लाइक नो डोंट टेक इट। सो आई आस्क अंकिता आंटी टू मेक अ हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर मैं आपको दिखाऊंगी, इट इज़ सो फ्रीकिंग ब्यूटिफुल। बट मैं सिर्फ क्रॉस करके रखती हूँ कि मैं वो ख़राब ना कर दूँ क्योंकि इट इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड मोर ओवर आई हैव सम प्रॉब्लम्स, यू कैन सी यहाँ पर पिंपल आया था मुझे एंड मार्क्स है अभी भी, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आया। दिस वॉज बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मैं उसके बारे में आपको अभी नहीं बताऊँगी, बट था कुछ प्रॉब्लम या है एंड बाद में कभी बताऊँगी। इट शुड बी अ हैप्पी व्लॉग, वी शुड बी हैप्पी टुगेदर। एंड अभी बज रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 2 एंड मुझे अभी रेडी होना है फटफट करके एंड देन आई नीड टू गेट आउट एंड कैच अ रिक्शा, जो कि एक टफ जॉब है क्योंकि इस टाइम में नहीं रहता रिक्शा, सो आई शुड सर्च फॉर इट। एंड मैं आपको हैम्पर दिखाती हूँ कुछ ही देर में आफ्टर गेटिंग रेडी, सो मीट यू गाइज इन अ वाइल। सो गाइज आई एम रेडी नाउ। सो मैंने वेयर किया है एक बहुत बेसिक सा येल्लो कलर का टॉप, ये कोई स्मॉल बिजनेस से है, इट हैज़ दिस बटरफ्लाई डिटेलिंग गोइंग ऑन। मैंने ये या ये पहनने वाली थी बट दिस इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल, इसलिए नहीं पहनी। आई नीड टू बी रियली कम्फर्टेबल wearing jeans, track pant पहनने वाली थी बट बहुत दूर जाना है so it will not look good and jeans का jacket मेरे पास एक white में था but मैं वो उतना wear नहीं करती थी but after getting this, this is a very thin material, आप देख सकते हो बहुत मोटा नहीं है so I can wear this and style this, so मैंने ये wear कर लिया है and I am thinking of buying this in other shades and मैंने अपने hair को tie कर लिया है क्योंकि मुझसे संभाले नहीं जाते and I need to carry the hamper जो मैं आपको कुछ देर में दिखाने वाली हूँ and this is what it is and about Shonav's birthday, it was on 3rd November and today is 1st November and आज मैं जा रही हूँ वहाँ क्योंकि 4th November को हमारे घर में काली पूजा है and we have a lot of preparations going on, crossing my fingers to show you guys this year. पहले साल में I was not comfortable vlogging that much, it was my first or second video so it was difficult for me but अभी थोड़ा बहुत आ गया है so that's why and I am wearing almost nothing for the base. मैंने powder भी नहीं लगाया है, सिर्फ Lakme का वो day cream लगाया है अपने body में, वो सॉफ्ट क्रीम, वो भी लैकमे का ही कोई मॉइस्चराइजर है SPF वाला, वो लगा लिया है। वेयरिंग अ रेड लिप शेड, मेबलिन स्टेइंग मैट, आई एम कैरिंग लिपस्टिक्स एंड आईलाइनर एंड द मस्कारा इन माय बैग बिकॉज दे ऑल, मतलब माय गर्ल्स डिपेंड मी फॉर मेकअप, डिपेंड ऑन मी फॉर मेकअप, सो आई नीड टू कैरी सम। आई एम कैरिंग दिस बैग विथ मी, ब्लू ब्लू, दिस इज फ्रॉम श्री लेदर्स आई गेस, आई डोंट नो, एंड दिस इज द होल आउटफिट, शोइंग यू द हैम्पर एंड जस्ट गोइंग आउट इन अ बिट।
सो गाइज, दिस इज द ब्यूटिफुल हैम्पर, उल्टा दिखा रही थी जो भी है। एंड दिस इज द हैम्पर, दिस इज सो ब्यूटिफुल। एंड दिस इज द कोट, ये मैंने भेजा था आंटी को, आंटी ने लिख दिया, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल। वी हैव सम चॉको मूस, चॉकलेट नहीं है, किसका है आई डोंट नो, आई हैव टू सी, आई गेस। ओ दिस इज द क्या बोलते, मैंगो मूस, दिस इज आई गेस ऑल्सो द मूस। ब्राउनी मफिन्स, दिस इज ऑल्सो मूस आई थिंक, या कोई ग्लास केक है, आई थिंक दिस इज अ ग्लास केक। एंड देन वी हैव कुकीज, मोर ब्राउनीज, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स, चिप्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई विल लिंक हर नंबर और द फेसबुक पेज, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। आई गेस दिस इज हर फेसबुक पेज एंड दिस इज अर नंबर, मुझे लिंक नहीं करना पड़ेगा, ये यू कैन सी इट हियर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हर फॉर दिस हैम्पर। ओके सो आई एम ऑन द रिक्शा एंड दिस इज द थिंग, मैंने इसको श्रीनगर्स के प्लास्टिक में बहुत बुरी तरह मतलब लिया है, आई डोंट नो क्या हालत है क्या नहीं है। एंड अभी तो मैं श्रेया के घर जा रही हूँ क्योंकि पोलोमी रेडी नहीं है, सो अभी जाके मिलते हैं आपसे। तो मुझे श्रेया के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बोल रही थी पोलोमी इज रेडी, एंड अगर मैं उसके घर जाती तो और भी लेट हो जाता। सो मैंने उसको कहा तुम आ जाओ एंड हियर शी इज़ नाउ। आफ्टर कमिंग टू टूनाउस हाउ वी वेर प्लेइंग समथिंग, मतलब जो कार्ड्स में होता है फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है ना, वैसा कुछ उसके पास था एंड ही वॉज ट्राइंग। We were playing that and we were enjoying our time like this. उसके बाद हमने उसके बिल्डिंग के छत पे चले गए क्योंकि उसने कहा था वहाँ पर घोस्टली प्रेजेंस है, एंड मैंने कैमरा ऑन कर लिया था सो दैट देखने के लिए कुछ आया या नहीं। वी वेर जस्ट हैविंग फन एंड दैट्स इट, हमें कुछ देखने को नहीं मिला। उसने फिर ऊपर जाके हमें बिग बाज़ार मॉल कहा है, उसके घर के सामने सब कुछ जो जो था वहाँ से दिखा दिया। Then we watched some movies as you can see, but इसमें हमें ghost movie चला था, मज़ा नहीं आ रहा इसलिए चेंज कर दिया। एंड पोलो वी वर स्टैंडिंग हियर स्पीकिंग टू हिज कॉलेज बिकॉज वहाँ से फ़ोन आ गया था। एंड देन हमने केक कट किया एंड उसके बाद केक खाया सबने विथ सम चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, एंड देन दूसरा मूवी देखा एंड जो कि हमने कम्प्लीट कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा देख के सब कुछ रख दिया था। एंड देन वी हैड आर मतलब जो PMPC कर रहे थे हम एकदम तगड़ा। एंड उसके बाद वी हैड आर डिनर क्योंकि मम्मी नीचे खड़ी थी एंड वी वेर जस्ट रशिंग आउट। मम्मी मतलब नीचे नहीं थी, बहुत दूर थी, हमें ढूंढना पड़ा।
जो भी है, मतलब बहुत तेज़ी से हमने खाना ठूसा बोल सकते हैं, एंड देन वी एंड हियर. आई मिस्ड ऋतिक अ लॉट ऑन दैट डे, क्योंकि ही इज़ द वन जो मुझे पिक करके ले जाता है, एंड ही कैरीज द गिफ्ट्स और द केक्स विथ हिम, जो कि बहुत ईजी है एंड वो कर पाता है, एंड मेरे लिए ये इतना टफ था. सो लेट्स लीव दैट एंड वी मिस यू ऋतिक, डोंट वरी, विल बी मीटिंग सुपर सून टू यू. एंड अबाउट हिज हाउस, नहीं पता क्यों हम इतना मतलब ENPC बोल सकते हैं या क्या हम कर रहे थे, नहीं पता. हमने सिनेमा बंद कर दिया, हमने सब कुछ बंद कर दिया, एंड हम इतना बात कर रहे थे कि हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा था. एंड मोर ओवर मतलब मुझे तो आप लोग जानते हो, मैं 100-100 पिक्चर खींचती हूँ एक बार, हमने एक भी पिक्चर नहीं लिया है, सिर्फ 2 पिक्चर, वो भी शोन ऑफ के पापा ने लिया है, जो कि उन वो मतलब ऐसे करें अरे ले लो एक ले लो, एंड हम तो कब केक कट होगा एंड हम जाके सिनेमा देखेंगे ऐसा था. एंड मूवी हम कॉन्ज्यूरिंग देख रहे थे, फिर मन नहीं लगा, फिर एनिमल देख रहे थे, फिर और भी कुछ कुछ लगाया गया था, फिर हमने कुछ भी नहीं देखा. वी डिडंट एंड अप वॉचिंग दैट, एंड दिस इज़ द अपडेट नहीं, मतलब यही हमने किया है, सिर्फ बातें, एंड दैट्स इट. ओके, सो आपने लास्ट क्लिप देखी थी फर्स्ट की, एंड टुडे इज़ 3rd, एंड कल हमारा काली पूजा है, एंड आई सेव द वीडियो फॉर टुडे बिकॉज मुझे आज ये पोस्ट करना है, एंड मैं आउटरो नहीं की उस दिन, मैं भूल गई थी एंड लेट भी आई थी, लेट नहीं मतलब एक्चुअली माई मदर वॉज वेटिंग डाउनस्टेयर्स विद द कार बिकॉज कर्फ्यू का टाइम हो रहा था एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट नहीं थी, इसलिए हम तीनों लड़कियाँ थे, इसलिए हम तीनों एक साथ हमारे गाड़ी में आ गए. और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया, आई वॉज टायर्ड एंड ऑल, एंड व्लॉग भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, क्योंकि हम मतलब इतने मतलब वी वेर स्पीकिंग टू ईच अदर एंड इतना टाइम हो गया कि हमें पता भी नहीं चला, एंड दैट्स इट. सो अबाउट शोनव, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा लड़का है भाई. हाँ, इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, इफ यू डोंट यू कैन डिसलाइक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू, विल मीट यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो.